पीछे चल रहा है बहुत। हाँ, पुरानी वीडियो देख ली उसने। तो भाई मैं तुझे बता दूं कि मीटर वाला जो मैटर था उस कैसे चलाते डैडी चल के ऐसे लग कैसे वेजिटेरियन बनोगे? आय शाबाश, यही है बस, देख लो तुम तुरंत रिटर्न। उन्होंने अभी तक मतलब मैंने हम लोगों ने और अजितेश ने उनसे एक बार नहीं 10 बार कहा कि सर सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए उस रात की सारी घटना। इज्जतनगर थाने में गई दोस्तों, पहले जो मुकदमा लिखवाया गया था उसकी भी विवेचना हमने इसलिए चेंज कराई थी क्योंकि जो दूसरे साहब थे मोबाइल खराब हो गया। ये तो बिल्कुल ये मोबाइल मैं पिछले कई लड़ाई झगड़े और मस्ती ड्रामा सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक चीज आप हेलो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें प्लीज। मेरी चुनिया आ गई, मेरी मुनिया आ गई स्कूल से, मेरी चुनिया आ गई, चुनिया आ गई। तो दोस्तों ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 2 बजे दोपहर के और अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच। सुबह विवान को भेज दिया था स्कूल, फिर स्कूल भेजने के बाद पूजा वूजा करके मैं सो गई थी और अजितेश बिग बॉस देखते रहे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना बिग बॉस से याद आया कि कौन कौन किसे सपोर्ट कर रहा है। मैं तो भाई शिवानी कुमारी को कर रही हूँ सपोर्ट, मतलब वो रियल है, वो बंदी, उसमें कोई दिखावटी पना नहीं है, वो फेक नहीं है, वो दोस्ती भी बहुत अच्छे से निभा रही है। मतलब मुझे उन चारों का ग्रुप बहुत बिंदास लग रहा है नो डाउट, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट मुझे शिवानी लग रही है। चारों में बोलो तो विशाल, लव कटारिया और सना और शिवानी है ना। विवान विवान भी मेरे साथ बिग बॉस देखते हैं, हम दोनों चलेंगे बिग बॉस में, फाइट फाइट करेंगे, डमन डमन डम 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 डम। चले कहा? बिग बॉस में। ओके डैडी चलेंगे एक दिन, पक्का चलेंगे। तो दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट वाली लौकी, सफेद लौकी, और इसको मैं बना लूँ फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई। ओके तो दोस्तों जीरा खत्म हो गया मेरे भाइयों, जीरा खत्म हो गया। अच्छा लौकी बनने की तैयारी, सादा लौकी बना। अभी मैं अपने सो कॉल्ड ससुर साहब को कॉल करती हूँ, जीरा खत्म हो गया। अरे वो छोड़ो, अभी ये कमेंट कर रहा है कि तुम लोग कमा नहीं सकते हो, मीटर लगवा नहीं सकते हो। ए, तो पीछे चल रहा है बहुत। हाँ, पुरानी वीडियो देख ली उसने। तो भाई मैं तुझे बता दूं कि मीटर वाला जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो गया है और जाने कब का हो गया है, और आज 20-22 दिन का बिल जो भी था वो हमने भर भी दिया। yes. 4,500 रुपए बिल था गाइस। yes. मतलब वो कमेंट कर दिया उसने, तो मैंने कहा बता दूं, वरना तो बताते बताते नहीं, नहीं वो पीछे चल रहा है, आ गया तू भाई। 2019 में चला गया मुझे लगता है। वो पिताजी ने बिल जमा कर दिया था, जो भी उनके नाम से मीटर था उसका ड्यू, हमने अपना सब मीटर लगा लिया और बात खत्म हो गई। आपके दादा कैसे चिल्लाते हैं? मैं तकिया नहीं रख पाऊंगी दोस्तों, ये कह रहा है पेट में तकिया क्योंकि वो सेंडर में आते हैं, उसने भी देखा है भाई हमने। चलो सामने से बताओ, चलो चलो हो गई हो गई, नहीं गिरेगी वो, जाओ जाओ। कह रहे तुम वीडियो बनाता, वीडियो वीडियो बनाते हैं। ऐसे बोलते हैं दादा? हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। क्यों भी वो? और पेट निकाल लिया है। अरे घर में रह रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, 3 साल से रह रहे हैं। हमारे घर में जैसे पैदा होता ही उसने घर ले। कैसे चलते हैं? और फोन कैसे चलाते डैडी चल के ऐसे लग कैसे रहो जमरू? वीवो बेकार हो जाएगी बनने आने तेरी। पराठे मुझे खाओगे? डैडी को खाओगे? फाइट करोगे?
मेरा खून पियोगे? पियोगे? लो पियो। काटना नहीं है साले, नौटंकी वाले। नॉन वेजिटेरियन बनोगे? आय शाबाश, ये बस देख लो तुम, तुरंत रिटर्न में देता है। मैं गुस्सा हो गई हूँ उससे, मैं इसे रोबोट चलाऊंगी। मम्मा गुस्सा हो गई, रोबोट नहीं अभी मिलेगा। अभी मैंने आटा निकाला तो इसने क्या करा, स्टूल पे चढ़ा ही और यूं करके हाथ आटे में दोनों हाथ, एक हाथ करा और ऐसे पीछे करके मेरी शक्ल देख रहा कि मम्मी ने देखा तो नहीं। मैंने देख लिया था। क्यों? ये सब भी होगा? अच्छा वीडियो बना रहे उसकी, वीडियो गुंडे सवार है। गुस्सा आया दोनों से। गुस्सा क्यों है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एक मुकदमा लिखा गया था मेरे ससुराल वालों पे, दोबारा दूसरा मुकदमा 28 तारीख को। तो उस मुकदमे के जो विवेचक हैं वो अंडर ट्रेनी हैं, ठीक है। और मतलब मैं ये सोचती हूँ, मतलब मुझे अपने लिए बुरा नहीं लगता, मुझे ये बुरा लगता है कि जिन लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को कुछ अता पता नहीं होता कि उनकी विवेचना में क्या चल रहा है, हमें कैसे बात करनी है क्या। तो अभी मैंने बात की और आपने एक वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, जो फोन वोन छीनने की कोशिश की जा रही है, मेरा हाथ झटका जा रहा है, ठीक है, उन्हीं लोगों पे मुकदमा कराया था। तो वो वीडियो मैंने व्हाट्सएप पे अपने विवेचक को सेंड कर दी, ठीक है। हमारे बयान भी ले लिए विवेचक ने, मेरे और मेरे हस्बैंड के आधार कार्ड भी ले लिया, लेकिन जो आरोपी पक्ष है मींस मेरे ससुराल वाले, उनके कोई बयान अभी तक नहीं लिए गए हैं, उनसे कोई आधार कार्ड नहीं मांगे गए। मांगे गए तो वो सब जो पूरी पलटन आ रखी थी, मतलब अजितेश के जो रिश्तेदार जो आ रखे थे, वो सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन उन्होंने अभी तक, मतलब मैंने, हम लोगों ने और अजितेश ने उनसे एक बार नहीं 10 बार कहा कि सर सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए, उस रात की सारी घटना फुटेज में है। वो सर एक बार भी इस चीज के लिए नहीं कह रहे हैं कि हमें फुटेज, मतलब अभी भी मैंने उनको फोन किया तो वो मुझसे कह रहे हैं कि आप पेनड्राइव में वीडियो दे दीजिए। मैंने कहा मैं वीडियो लेके कहाँ भागी जा रही हूँ, मेरी वीडियो वो यूट्यूब पे पड़ी है, फेसबुक पे पड़ी है, और पेनड्राइव में वीडियो देने के बाद क्या आप चार्जशीट लगा देंगे? मेरे तो 2 सबूत है, एक जो मैंने उनको वीडियो भेजी है 17 सेकंड की, वो मैं उनको पेनड्राइव में दे दूंगी, और दूसरा सबूत सीसीटीवी फुटेज। तो वो ये कह रहे हैं कि सामने वाले ने मना कर दिया कि वो फुटेज नहीं देगा, मतलब कल को मेरे साथ कोई भी अनहोनी हो जाए उस उतने एरिया में, तो सामने वाला जब तक परमिशन नहीं देगा। और ऐसा सामने वाला क्या, नीचे वाला? हाँ, मतलब आरोपी पक्ष जब हमारे बाप ने मना कर दिया होगा कि नहीं देंगे फुटेज, क्योंकि वो लोग तो पुलिस का पूरा अधिकार है कि उनसे फुटेज ली जाए, क्योंकि उसमें वारदात हो रखी है, उसमें दिख रहा है साफ साफ कि वो लोग हमें धक्का दे रहे हैं। तो मना कर दिया होगा, लेकिन अब वही है ना कि ये गलत है, लेकिन असल में माल जो है वो हम लोगों से थोड़ी मिलेगा। हाँ। हम लोग तो पिटा देते हैं, माल आरोपी देते हैं। पहले भी उनका फेवर इज्जतनगर थाने में गई दोस्तों, पहले जो मुकदमा लिखवाया गया था उसकी भी विवेचना हमने इसलिए चेंज कराई थी, क्योंकि जो दूसरे साहब थे जो इंस्पेक्टर साहब, वो ज्यादा ही अपना दिमाग चला रहे थे। दो चार लोग बढ़िया हैं नो डाउट इज्जतनगर थाने में, जो जेन्युइन चीजें करते हैं, भी सही है, सब सही है, लेकिन जेन्युइन चीजें करते हैं। हमारी जांच जिसके पास पहुंचती है वो लोग ऐसी परेशान करते हैं, वो लोग ऐसी परेशान करते हैं हमें। और मैं तो ये सोचती हूँ किसी एक दिन भी वो यहाँ नहीं आया है, एक दिन भी इनसे पूछताछ कर लेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें, हम फोन करते हैं कि तू पेन ड्राइव में डाल के नहीं दे रहे हो तुम लोग पेन, अरे 17 सेकंड की वीडियो तुम्हें दे देंगे पेन ड्राइव में डाल के, जब तुम्हें बता रहे हैं कि पूरा प्रकरण घर के ही सीसीटीवी में कैद है, तो तुम वो क्यों नहीं निकालवा रहे हो? वहां नोटिस भिजवाऊंगा मैं पहले इन लोगों को, फिर उसके बाद फुटेज निकलवाऊंगा। सामने वाले ने मना कर दिया, आरोपी पक्ष ने मना कर दी, ऐसा कहां होता है भाई कि आरोपी पक्ष मना कर दे? अगर उसके पास एक्सेस है तो सीसीटीवी का, तो वो मना कर देगा तो फुटेज ही ना लोगे। कल को ये लोग मेरा गला दाब देंगे तो तुम तो कहोगे कि आरोपी पक्ष ने मना कर दिया इसलिए फुटेज नहीं ले रहे। ये कोई रीजन नहीं होता है, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना। कहाँ चल दिए तुम मेरे बिना? तुम्हारे बिना मतलब तुमने मुझसे नहीं कहा ना तुम तैयार हो जाओ, चश्मा उश्मा लगा, घर में थोड़ी घूमे हुए। अरे वो बाल चश्मा उतार दे रहे हैं, कहीं जा तो रहे हो, तैयार हो यार हो के कहाँ जा रहे हो बताओ? मोबाइल खराब हो गया ये तो बिल्कुल, ये मोबाइल मैं पिछले कई सालों से चला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं क्यों इसे बार बार, मैं इसे 5-6 बार सही करा चुका हूँ, आज फिर जा रहा हूँ, इसमें डेटा उठा है और इसमें अजितेश के घर वालों के प्रूफ है।
अब लोग ज्ञान देंगे कि तुम लैपटॉप में डाल लो, तुम ये कर लो, जो बर कर लो। मोबाइल से ही कराने जा रहा हूँ क्योंकि अजितेश है फ्यूचर हो गए उस मोबाइल के, आजीवन अजितेश वही मोबाइल चलाएंगे। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? बाय। मेरी बुंदरी सो गई, स्कूल जाते हैं तो थक जाते हैं मेरी बच्ची। देखो दोस्तों कितना बड़ा वर्थ मार्क है इसके। और ये भी पता है बहुत टाइम बाद विजिबल हुआ था, बहुत टाइम बाद बोले तो ये 1-1.5 साल का था तो ये विजिबल हुआ था। तो दोस्तों अब मुझे भी नींद आ रही है क्योंकि मेरे पति देव ना मुझे सुबह उठा देते हैं और फिर कहते हैं बहुत सोती हो तुम, बहुत सोती हो। फिर अभी मुझे सोना है, फिर मंगल है आज तो प्रसाद चढ़ाने जाना है शाम को, तो थोड़ी देर सो लेती हूँ। और इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पर कर देती हूँ एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आई होप आप लोगों ने हमारा जो लव स्टोरी का पहला ब्लॉग है वो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, जो पहली वीडियो है। ऐसे ही काफ़ी वीडियोज़ आती रहेंगे क्योंकि लव स्टोरी बहुत लंबी है, आप लोग को सबको पता ही है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मतलब लड़ाई झगड़े और मस्ती ड्रामा सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट बताते जाएंगे। और आप लोग ऐसे ब्लॉग भी देख लिया करिए जो ये हमारे डेली रूटीन होते हैं, खाने पीने के होते हैं ये सब भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पर न्यू है वो भी सॉरी जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाय गाइज, लव यू ऑल, बाय।